तो कैसा रहा आपका रोज डे? एक नंबर। कुछ मिला है? कुछ मिला? इतनी जगह से मिला कि रख ही नहीं पा। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और सूत्रों के अनुसार से हमें खबर मिली है कि आज रोज डे है। दुख हुआ ये सुनकर, काश हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा होता जो हमें रोज देता, मतलब गुलाब देता। खैर चलते हैं आगे के सफर के लिए, बताते हैं क्या हुआ। वैसे यही है हमारे वैलेंटाइन डे पे वैलेंटाइन वीक के साथी जो बगैर किसी हिचकिचाहट के हमें सब कुछ खिला देते हैं। ये रहे मुनोगो चाचा, हाथ पैर हिला दो कुछ, बता दो कि ये है अपने गोरे लाल। अब हाथ हिलाओ, दिखाई नहीं दे रहे थे। गोरे लाल क्या बना रहे हो? तुम बना रहे हो चूतिया, तुम कुछ नहीं बना रहे हो, मैं मालूम है। गोभी का पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। चलिए, आंखें अभी खुली नहीं है लेकिन हम ठूसने चले आए हैं। देखिए आगे क्या होता है, अभी बताते हैं दोस्तों। ये देखिए गोभियाँ यहाँ तो सजी हुई रखी हैं, इन्हीं के अभी पकौड़े बनेंगे, टेस्टी होंगे, वो खा के देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भैया देखो, लोगों का होता होगा रोज डे, हमारा तो रोज जैसा डे है, घंटा कोई फर्क नहीं है। तो एक सवारी चल रही है पैदल पैदल लाल नगर चौराहे की ओर, जा रहे हैं कुछ खाने पीने का आइटम लेने माता जी के लिए, उसके बाद लौट के जाएंगे दुकान पर। देखते हैं क्या होता है, आज के दिन में कुछ खास होता है कि नहीं होता है। हालांकि हमें उम्मीदें बहुत कम है क्योंकि ऊपर वाला हम पे थोड़ा मेहरबान है आजकल। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आइटम ले कर। कुछ ऐसा है कि ले आए हैं खाना, अब जा रहे हैं घर और फिर निकलेंगे दुकान। ये रहा खाना, अब ये मत पूछना खाने में क्या है, ये नहीं बताएंगे क्या है। वेजिटेरियन है ये तो कन्फर्म है, बाकी क्या है ये हम नहीं बताने वाले। आज बड़ा बोरिंग दिन जाना है, काश कोई होता या होती या होती जो हमें भी रोज़ देती। रोज़ यानी गुलाब देती, आप कुछ गलत मत समझना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, आलू या प्याज है इनके पास, सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। तो भैया दुकान दी है बढ़ा हम लोगों ने, ये हमारे कल्लू भाई हैं, दुकान के सामने वाली दुकान इनकी। भैया मुखड़ा दिखाइए। भैया नमस्कार, ये देखिए आप मेरा मुखड़ा देख सकते हैं सही से। तो कल्लू भाई अपने हैं राइडर जी, ये गाड़ी चलाते नहीं, गाड़ी उड़ाते हैं जी जी, मतलब एकदम धुआंदार रॉकेट, एकदम सांप बना देते हैं, नागिन डांस करा देते हैं। कह गए, फिर उसमें वो डायलॉग भी हम मार सकते हैं, ओम फों। तो कल्लू भाई कैसा लग रहा है? अरे बस एक नंबर। आपने कहा आप हमको अपने ब्लॉग में लीजिए, हमने कहा चलिए। अरे भाई आप ले लेंगे तो हमारा कंटेंट आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, भाई का भी चैनल है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हालांकि इसने एक भी वीडियो नहीं डाला है लेकिन फिर भी इसको सब्सक्राइब करिए, बढ़ेगी वीडियो, आगे चलते हैं, वीडियो आएगी, चलते हैं। जय बाबा की, जय बाबा की। तो कैसा रहा आपका रोज डे? एक नंबर। कुछ मिला है? कुछ मिला? इतनी जगह से मिला कि रख ही नहीं पा। तो थोड़ा सा जलपान के लिए बीच में रुके हैं घर जाने से पहले भैया की दुकान पे। भैया आपका नाम, नाम बताओ, ब्लॉग बनना था, फ्री थोड़ी हो रही है। तमाम लोग घूमते, नाम बताओ। पंकज भाई की दुकान है अपना, परेड से थोड़ा सा आगे, बड़ी ही रंग बिरंगी दुकान है, देख रहे हैं भयंकर लाइटें जल रही हैं। पंकज भाई अपना पकौड़े खिला रहे हैं, एक नंबर। अब ये फ्लूड बॉक्स अरे क्या होता है यार, वो खाने का व्लॉग बनाते जो उन्हीं की बात कर रहे हैं, उनकी तरीके ये नहीं दिखाएंगे क्या लिया क्या नहीं लिया, क्या फ़ायदा दिखाने का यार, तफरी करने आए, तफरी करके निकल लेंगे। तो आज हमारा रोज़ डे कुछ इसी तरीके निकला है, रोज़ डे रोज़ की तरीके, कुछ खास नहीं, कुछ कोई बात नहीं, जो जैसा था वो वैसा ही है जैसा था। भाई की दुकान में वैसे वैरायटी बहुत सारी रही थी लेकिन हम लोग हो गए लेट तो यहाँ कुछ बचा नहीं है, सिर्फ मुंगोड़े बचे हैं और मेरा फेवरेट आइटम तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, भैया ने हाथ खड़े कर लिए, पनीर। चलिए कोई नहीं, तो भैया कल खिलाएंगे पनीर कि नहीं खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे जी, भैया ने हामी भर दी कि हाँ कल खिलाएंगे। चलिए फिर कल फिर से देखते हैं, यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ शूट करेंगे फिर बताएंगे। तब तक के लिए अभी अगला स्टॉप बाकी है, तब तक के लिए टाटा। तो आ गए हम अपने अगले स्टॉप पर, यहाँ मिल रहे हैं मनी भाई जिनसे हम लेने आए हैं रोटियाँ, क्योंकि इनके हाथ की रोटियाँ बिल्कुल घर जैसी रोटियाँ होती। क्यों मनी भाई?
बस बाबा कृपा है भाई। बाबा कृपा है। तो कैसा रहा आपका रोज डे? आज रोज डे था ना जी भाई साहब, लेकिन रोज डे इसी में मना है। इसी में मना है सब, इसी को रोज दिया। मतलब कि आपका भी रोज डे रोज जैसा ही रहा है? कोई भाई वो नहीं है, कोई मतलब कुछ नई बात नहीं है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं चलिए के लिए वैलेंटाइन डे भाई केवल ये होता है कि बुध को पढ़ रहा है कि बृहस्पति को पढ़ रहा है कि शुक्र को पढ़ रहा है, ये होता है। इसके अलावा अच्छा तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ वो नहीं मनाते, माया पलाने मर गए थे उस दिन? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज होती है मनाने के लिए गर्लफ्रेंड, जो कि नहीं है। मिलवा दिया हमने आपको मनी भाई से भी, ये रहे हमारे मनी भाई। चलिए फिर अब अगला स्टॉप घर ही है, क्योंकि और कहीं तो रुकना नहीं है, अब सीधे घर रुकेंगे। तो भैया हो चुकी है आज के दिन की समाप्ति और हम आ चुके हैं घर। और आज के दिन के लिए सिर्फ हम यही बोल सकते हैं कि काश कोई होती जो हमें भी रोज देती, मतलब हमें रोज देती, गुलाब देती। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा ही होता है। खैर कोई नहीं, ज़्यादा भावनाओं में बह गए, सॉरी। तो कल फिर मिलते हैं किसी और नए दिन के साथ, जो भी होगा कल। वैसे हमें पता नहीं है, जो होगा आप लोग बता दीजिएगा, देखा जाएगा। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। शेयर आप लोग करोगे नहीं तो कहने का फ़ायदा नहीं है, फिर भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जहाँ मज़ा आई हो वो पार्ट कमेंट करके बताना। चलते हैं।